हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय प्लेलिस्ट ऑन द प्रोसेस कैलकुलेशन। दिस इज न्यूमेरिक ट्यूटर हेयर एंड वी आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स ऑन द प्रोसेस कैलकुलेशन। सो द क्वेश्चन स्टेटमेंट हेयर इज दैट अ गैस कंटेनिंग 80% ऑफ द CH4 एंड 20% ऑफ द हीलियम इज सेंट थ्रू अ क्वार्ट्ज डिफ्यूजन ट्यूब टू रिकवर द हीलियम। 20% बाय वेट ऑफ द ओरिजिनल गैस इज रिकवर्ड एंड इट्स कंपोजिशन इज 50% हीलियम। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द वेस्ट गैस इफ 100 kg मोल्स ऑफ द गैस आर प्रोसेस्ड पर मिनट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में है वो क्या चीज़ें हैं, एक तो उसने हमें फीड की वैल्यू दी हुई है 100 kg मोल्स, और दूसरी उसने क्या दी हुई है, कंपोजिशन दी हुई है परसेंटेज कंपोजिशन 80% CH4 एंड 20% हीलियम इज सेंट थ्रू अ क्वार्ट्ज डिफ्यूजन ट्यूब। और दूसरी क्या चीज़ उसने हमें हिंट दी हुई है कि 20% बाय वेट ऑफ द ओरिजिनल गैस इज रिकवर्ड एंड इट्स कंपोजिशन इज 50% हीलियम। अब ये 20% बाय वेट उसने बता दिया, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, बल्कि हमने इस सेंटेंस से क्या करना है, भला हमने कैलकुलेट करनी है। और जो ये कैलकुलेट जब हम कर लेंगे तो फिर हमने क्या करना है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द वेस्ट गैस। तो ये हमें बेसिस बता दिया गया। तो हम अपने सिस्टम की डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम है क्वार्ट्ज डिफ्यूजन ट्यूब का, और इसके अंदर एक फीड इन हो रही है और एक वेस्ट की स्ट्रीम है ये, और ये रिकवर स्ट्रीम है डाउन वाली। तो अब जो फीड की वैल्यू वो उसने हमें दी हुई है, और जो वेस्ट की है वो हमने फाइंड करनी है, और रिकवर की भी हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, बल्कि हमने वो भी फाइंड करनी है। तो फीड की कंपोजिशन उसने दी हुई है 80% CH4 और 20% हीलियम, और वेस्ट गैस की कंपोजिशन हमने फाइंड करनी है, और रिकवर की उसने बताया हुआ कि 50% हीलियम है। तो बाकी 50% क्या होगा, क्योंकि दो ही तो कंपोनेंट्स हैं, एक मिथेन और एक हीलियम। तो अगर हीलियम की उसने बता दी है तो बाकी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दी 100। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 50% हीलियम और 50% क्या होगी, मिथेन होगी। तो अब हमने अपनी कैलकुलेशन का ओरिजिन लेना है, मतलब बेसिस को सिलेक्ट करना है। तो बेसिस उसने क्वेश्चन के अंदर हमें खुद बता दिया कि अगर हम 100 kg मोल्स को प्रोसेस करें तो कितना हमारे पास कंपोजिशन होगी, और वेस्ट गैस का कितना मास होगा वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो है बेसिस तो हमें उसने बता दिया है कि इसको अपने माइंड में रख के अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो बेसिस हमारे पास आ गया 100 kg मोल ऑफ द फीड इन 1 मिनट। तो अब जनरल मास बैलेंस की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, इनपुट माइनस आउटपुट प्लस जनरेशन माइनस कंजम्पशन इक्वल्स अक्यूमुलेशन। तो अब जनरेशन और कंजम्पशन की टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, नॉन रिएक्टिव है, और अक्यूमुलेशन की टर्म इसलिए जीरो हो जाएगी क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, एट स्टडी स्टेट। अगर प्रोसेस स्टडी स्टेट पे है तो एक्यूमुलेशन क्या होगी, जीरो होगी, और अगर प्रोसेस जो है स्टडी स्टेट पे नहीं है तो फिर एक्यूमुलेशन जीरो नहीं होगी। तो इनपुट माइनस आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनली इक्वल टू जीरो, इनपुट माइनस आउटपुट इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आ जाएगा वो क्या आएगा, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। तो अब हमारे पास इनपुट में कौन सी चीज़ें हैं और आउटपुट में क्या चीज़ें हैं, ये हमने इस इक्वेशन से लिखना है। तो इनपुट में हमारे पास क्या है, सिर्फ एफ है, और आउटपुट में हमारे पास दो चीज़ें सिस्टम से आउट हो रही हैं, तो वो क्या है, वेस्ट की एक स्ट्रीम है और एक जो स्ट्रीम रिकवर हो रही है। तो एफ प्लस एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस आर। तो ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन, और इसके अंदर सिर्फ हमें एफ की वैल्यू पता है, वो कितनी है, 100 ग्राम मोल। तो 100 ग्राम मोल, और दूसरी जो उसने हमें बताया हुआ 20% बाय वेट ऑफ द ओरिजिनल गैस इज रिकवर्ड। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, रिकवर गैस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फीड की वैल्यू हमें गिवन है कि वो कितनी है, 100 ग्राम मोल, और उसके हमें मोल परसेंटेजेस भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मिथेन का मास निकाल लेंगे और हीलियम का मास निकाल लेंगे। तो इन दोनों को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल फीड का मास आ जाएगा। तो हम मिथेन के मास निकालने के लिए सबसे पहले मिथेन के मोल निकालेंगे। तो परसेंटेज मोल हमें पता है कितनी है, 80%, तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 0.8, और जब हम इसको फीड के मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मोल फ्लो रेट आ जाएगा। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास 80 ग्राम्स आ गए। तो अब 80 ग्राम्स को हमारे पास जो 80 ग्राम्स मोल्स आ गए हैं, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मास में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें मॉलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। इससे हमने मास निकाल लिया, तो ये हमारे पास मास ऑफ मिथेन इन द फीड आ गया 1280 ग्राम। और इसी तरह क्या करेंगे, हम
हीलियम का मास निकाल लेंगे फीड के अंदर कितना है। हमें पता है 20% हीलियम फीड के अंदर प्रेजेंट है, ये उसका मोल परसेंटेज है, और हमें टोटल मोल्स फीड के पता है कितने हैं, 100 ग्राम मोल्स। तो इससे हमारे पास जो आ जाएगी हीलियम का मोल्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 20। और हीलियम का मोलर वेट कितना होता है, 4। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 80। अब हमने हीलियम का मास निकाल लिया है और मिथेन का मास निकाल लिया, तो हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ फीड आ जाएगा। तो इन दोनों को हमने ऐड अप किया तो हमारे पास आ गया 1360 ग्राम आ गया। अब हमारे पास ये आ गया है फीड का मास, जो कि फीड 1 मिनट में इंटर हो रही है, इतना मास है उसका। मोल उसने गिवन थे, मोल उसने हमें दिए हुए थे, और हमने उससे क्या निकाल लिया, मास निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका 20% ले लेंगे, जो कि उसने बताया हुआ कि 20% जो 20% बाय वेट ऑफ द फीड इज रिकवर्ड। तो अब हम 20% उसका लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 272 आ जाएगा, 272 ग्राम्स। अब हमारे पास जो है मैस आ गया है, और अगर हम इसका इस स्ट्रीम का अगर हम एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस स्ट्रीम के हम मोल्स निकाल सकते हैं। तो एवरेज मोल्स निकालने के लिए भला हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें मोल परसेंटेज तो गिवन है, तो हमें पता है 50%, हमें पता है कि इसके अंदर मिथेन और 50% क्या है हीलियम। तो 0.5 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा मिथेन का, तो उसको अगर हम उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह दूसरा जो फ्रैक्शन होगा वो कितना है, 0.5। तो 0.5 को हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ पे कोई और भी चीज़ होती इस स्ट्रीम के अंदर तो उसकी भी कंसंट्रेशन से परसेंटेज कंपोजिशन से हम फ्रैक्शन निकालते उसका, और फ्रैक्शन से उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते, उसको भी हम यहाँ पे तीसरी कोई अगर चीज़ होती तो उसको भी ऐड कर देते ऐसे। तो ये हमारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका है। तो ये हमने यहाँ से एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। अब 0.5 को अगर हम मिथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16, तो ये हमारे पास, और अगर 0.0 हीलियम का हमें मॉलिक्यूलर वेट पता है कितना है, 4, तो ये अगर हम इनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 10 आ जाएगा, 10 ग्राम पर ग्राम मोल। अब हमारे पास मास भी है और क्या है, मॉलिक्यूलर वेट भी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं। सिंपल फार्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो 272 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारे पास आ गया 27.2 ग्राम मोल्स। तो अब हमारे पास यहाँ तक हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो फीड की वैल्यू हमें पता है 100 ग्राम मोल जो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ये हमने निकाल लिया 27.2 ग्राम मोल्स। अब हम अगर ओवरऑल बैलेंस के अंदर ये वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, कितने आ रहे हैं वो, 72.8 ग्राम मोल। अब हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है भला, इसकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है, या इसका फ्रैक्शन हम देंगे। कंपोजिशन या तो फ्रैक्शन में होती है या फिर परसेंटेज में होती है, तो हम फ्रैक्शन में काउंट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम CH4 का बैलेंस लगाएंगे, मोल बैलेंस। तो CH4 एक ही क्वेश्चन तो हमारे पास आ गई, तो अब हमने क्या करना है भला, कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो अगर हम मिथेन का अगर हम बैलेंस लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मिथेन सारी की सारी हमें पता लग जाएगा कि वेस्ट के अंदर कितनी है। तो अगर हम इसका मिथेन का बैलेंस लिखें तो इसका क्या आएगा, परसेंट फ्रैक्शन इसका, इसकी कंपोजिशन कितनी है, और फीड के अंदर कितनी है, और रिकवर के अंदर कितनी है, और वेस्ट के अंदर कितनी है। तो ये अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे, 0.8 जो कि इसका फ्रैक्शन है फीड के अंदर, और फीड की वैल्यू कितनी है 100 ग्राम, इसी तरह रिकवर स्ट्रीम के अंदर इसकी वैल्यू कितनी है, 0.5, और आर की वैल्यू कितनी है, 27.2 ग्राम। इसी तरह अब हमने अज्यूम कर लिया कि जो मिथेन है उसकी यहाँ पे वैल्यू क्या है, एक्स है, और वेस्ट स्ट्रीम की हमने जो मोल्स हैं वो कैलकुलेट कर लिए हैं, वो कितने हैं, 72.8, तो वो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल रह गया, और इक्वेशन भी कितनी है, एक है। तो हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारे पास 80, और 0.5 को अगर 27.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 13.6, और एक्स इंटू 72.8। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वो हमारे पास आ जाएगी, इसको जब हम 13.6 को इधर लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 66.4, और एक्स इज इक्वल टू 72.8। अब हम 72.8 को 66.4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स की, 0.912। ये मिथेन की कंपोजिशन है किसके अंदर भला, वेस्ट स्ट्रीम के अंदर। अब इसी तरह क्या कर लेंगे हम,
अब अगर यहाँ पे एक और भी ऑप्शन है हमारे पास, अगर दो ही कंपोनेंट्स हैं, अगर हमने एक ही कंपोजिशन फाइंड कर ली है तो दूसरे की हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ की है तो बाकी मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हमें पता है अगर जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 होता है, तो हमें अगर मिथेन का पता है और दूसरा कंपोनेंट सिर्फ क्या है, हीलियम है, इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे कि दूसरा जो कंपोनेंट होगा उसका फिर मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0 पॉइंट जो फर्स्ट वाला है जिसका हमने कैलकुलेट किया है वो 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि दो ही तो चीज़ें हैं, एक का हमने फाइंड कर लिया तो दूसरे का मैक्सिमम जो टोटल होता है वो 1 होता है, तो 1 में से अगर माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग होगा वो सेकंड वाले का होगा मोल फ्रैक्शन। तो इस तरह भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हीलियम बैलेंस लगा सकते हैं। तो हीलियम बैलेंस हम यहाँ पर लगाते हैं तो क्या होगा, हीलियम के मोल 20% दिया हुआ है हमारे पास हीलियम मोल परसेंटेज में, तो 20 इसी तरह अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 जो कि फीड की वैल्यू है, और 0.5 यहाँ पे इसकी जो है मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें, यहाँ पे मोल परसेंटेज दी हुई, तो इससे अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे वो आ जाएगा 0.5 और मल्टीप्लाई बाय 27.2 जो कि आर की वैल्यू है, और प्लस वाई यहाँ पे आ गया, हमने अज्यूम किया कि ये क्या है, हीलियम की वैल्यू है, हीलियम की जो है कंपोजिशन है मोल फ्रैक्शन की वो हमने अज्यूम किया, और 72.8 हमने फाइंड किया है वेस्ट स्ट्रीम का मास सॉरी मोल्स। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, भला 0.2 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 0.5 को 27.2 से करेंगे तो 13.6, और अगर हम इसको 13.6 को उधर लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 72.8 इक्वल टू 6.4। अब अगर हम वाई की वैल्यू फाइंड करें तो 72.8 से डिवाइड करना होगा, और अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू 0.08712। और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, सी एच फोर की मोल फ्रैक्शन है, और वाई की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, हीलियम की मोल फ्रैक्शन है। तो यही हमने फाइंड करनी थी कि ये परसेंटेज अगर हमें निकालनी हो तो इनको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोल परसेंटेज। तो हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर ली है, तो ये हमारे जो आंसर आ गए हैं यहाँ पे, और ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी जो हमने फाइंड कर दी है। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ मैक्सिमम शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।